आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी पीडीएफ फाइल से कैसे टेक्स्ट और इमेज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये आर द इजीएस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट सिंगल इमेज और सेवरल इमेज फ्रॉम द पीडीएफ फाइल। पीडीएफ मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सेव देम टू योर डेस्कटॉप और एक्सपोर्ट देम एल्सवेयर। आप उसको सेव भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है यूज अ डेडिकेटेड पीडीएफ रीडर। द ऑफिशियल एडोब एक्रोबैट हेल्प पेज शो यू हाउ टू एक्सपोर्ट द पीडीएफ टू अदर फॉर्मेट। इसके लिए आपको जिस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर क्लिक करिए और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑल इमेजेस कर दीजिएगा, तो इस पेज की जितनी इमेजेस होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। द क्विक मेथड टू एक्सट्रैक्ट इमेज विद अ फ्री एडोब रीडर डीसी। Then you have just one of a few images to extract. Try this shortcut or free version of Adobe Reader. आप Adobe Reader में जब आप जाते हैं तो किसी document पे जब right click करिएगा और choose select tool करिएगा तो pop-up menu आ जाएगा। Drag to select the text or click to select an image. किसी image पर click करिएगा या drag करिएगा तो वो text आपका select हो जाएगा। Right click the selected item and choose the copy the image is now in your clipboard. अब इसको कैसे करते हैं, इसको चलते हैं। एक Adobe फाइल हमने यहाँ पे ले रखी है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट करा है हम लोग ने। कैसे करा है, इसको राइट क्लिक जब आप करिएगा तो देखिए सेलेक्ट टूल आएगा। यहाँ पर इसको ड्रैग करिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करिएगा तो आपका कॉपी आएगा। इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आकर हमने पेस्ट कर दिया इसको, तो जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरह से आप किसी पिक्चर को भी कर सकते हैं। यहाँ पे यह है सेलेक्ट टूल किया और इस पिक्चर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एडिट में जाएंगे और टेक अ स्नैपशॉट करेंगे। यहाँ पर जाकर के इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपकी पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब इसको यहाँ जाकर के पावर पॉइंट में हम पेस्ट कर देंगे, तो कंट्रोल वी करेंगे तो वो पिक्चर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से दो तरह से हम अपने पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी स्नैपशॉट टूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्नैपशॉट टूल में जाके एडिट में जाके टेक अ स्नैपशॉट करेंगे और ड्रैग रेक्टेंगल करेंगे, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसको कॉपी करेंगे और उसको कहीं दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जो कॉपी होता है वो क्लिपबोर्ड में जाएगा। तो ये आपको हमने दिखाया एडिट में जाके स्नैपशॉट करके चेक स्पेल स्नैपशॉट करके और फिर उसको ड्रैग किया। कुछ भी ड्रैग करेंगे तो वो पोर्शन आपका कॉपी हो जाएगा, तो उसको हम कहीं दूसरी जगह ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका ये देखिए आ गया यहाँ पर। अब इसी में जब आप यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जब राइट क्लिक करिएगा तो कॉपी सेलेक्टेड ग्राफिक सेलेक्ट और डी सेलेक्ट और प्रिंट भी आप इसको कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करिएगा तो देखिए यहाँ ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट हैज मार्कअप प्रॉपर्टी साइज पोस्टर, जो आपको करना है श्रिंक पोर्ट्रेट लैंडस्केप किस फॉर्म में करना है उस फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए होल वर्ल्ड ओनली फाइंड नेक्स्ट करंट होल वर्ल्ड ओनली केस सेंसिटिव इंक्लूड बुकमार्क इंक्लूड कमेंट, इतने ऑप्शंस दे रखे हैं। आप फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने गूगल फाइंड किया नेक्स्ट किया तो ये देखिए गूगल केबल सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करिएगा स्नैपशॉट को हम लोग बंद कर दें, एस्केप किया इसको बंद करके फिर से खोल लेते हैं।
स्नैपशॉट खुला हुआ है, एडिट में स्नैपशॉट को हटाया, हटाया तो एस्केप करेंगे, अब हटा। तो अब यहाँ पर राइट क्लिक आप जब करिएगा सेलेक्ट टूल आएगा और आपका ये देखिए सेलेक्ट हुआ। कंट्रोल एफ किया, फाइंड गूगल किया, नेक्स्ट किया, गूगल देखिए सेलेक्ट कर लिया उसने। अब यहाँ पर जब आप, असल में सारे लिंक है ना इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये आया। इसमें हाईलाइट टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ऐड नोट टू रिप्लेस टेक्स्ट, लुकअप गूगल और कॉपी कर लिया। तो आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। जब हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं तो वो एडिटेड टेबल रहता है। यहाँ पे देखिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अब कोई बड़ा टेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, जैसे ये लिया हम लोग ने, ये स्नैपशॉट ही यूज है, इसको लिया हम लोग ने, तो ये एज अ स्नैप बन जाएगा। लेकिन जब हम स्नैपशॉट ऑफ करके लेंगे, इसको देखिए जब हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारा एज अ पिक्चर आ गया है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। जब आप स्नैपशॉट के थ्रू लीजिएगा तो उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। लेकिन जब आप सिंपल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी करके कहीं और जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो एडिटेड। अब आप देखिए इसको जब डालिएगा तो ये आप एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल जब कॉपी करिएगा तो आपका एडिटेबल होगा, लेकिन स्नैपशॉट से जब करिएगा तो आपका एडिटेबल नहीं होगा, वो एज अ पिक्चर आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट और पिक्चर को ले सकते हैं। जिस पिक्चर पे आप राइट क्लिक करते हैं, एज स्टिकी नोट सेलेक्ट टूल करते हैं, और एक्चुअली यहाँ पर सारे लिंक हैं, बिना लिंक वाली कोई फोटो नहीं है। तो इसमें देखें शायद यहाँ पर ये स्नैपशॉट खुला हुआ है, इसको नो कर दें और फिर से इसको ओपन करें। यहाँ से ओपन किया, खुल जाओ भाई, अब यहाँ पर देखिए अभी भी स्नैपशॉट खुला हुआ है। तो यहाँ से स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट खुला हुआ है। राइट क्लिक करेंगे हम पिक्चर पे जाके और सेलेक्ट टूल करेंगे और ये भी लिंक है, तो ये पिक्चर पे देखिए ये भी लिंक है। तो कोई पिक्चर अगर होगी तो वो उस पर आपको दिखाएगा, इसमें और कोई पिक्चर नहीं है। इसको सिंपल आप जब कॉपी करिएगा तो कंट्रोल सी करके आप विंडो में आइएगा तो ये एज अ टेक्स्ट आएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल कॉपी करिएगा तो एज अ टेक्स्ट काम करेगा, और जब ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है एडिट हो जा रहा है, लेकिन इसमें जब स्नैपशॉट से किया आपने तो ये एडिट नहीं होगा, ये आपका एज अ पिक्चर आएगा। अब थर्ड टूल पे हम लोग चलते हैं। थर्ड टूल आपका है स्निपिंग टूल, जो विंडो का इटसेल्फ बना हुआ टूल है, जो इनबिल्ट टूल है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, अब स्टार्ट बटन में जाएंगे और वहां पर टास्क बार में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे स्निपिंग टूल। तो ये देखिए आपका विंडो का टूल आ गया। अब इस टूल को जब हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे सिंपल हम कोई भी चीज को कॉपी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो ये वाला टूल जो आ रहा है, इसके थ्रू आप ये आया ना, इसमें ये देखिए ये टूल जो आ रहा है, इसमें राइट क्लिक करिएगा तो ये इतने ऑप्शन है, लुकअप गूगल कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका सिंपल अडॉप का टूल है।
और अब हम स्निपिंग टूल यूज कर रहे हैं। तो स्निपिंग टूल में आप जब न्यू करिएगा तो इसमें देखिए चार मोड आ रहा है, फ्री फॉर्म, रेक्टेंगुलर, विंडो स्निप एंड फुल स्क्रीन। हम लोग रेक्टेंगुलर लेते हैं और किसी भी पिक्चर को हम लोग कॉपी करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आए, स्निपिंग टूल में से न्यू किया। अब जब न्यू कर लेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपका कर्सर आ गया, इसको जब सेलेक्ट करिएगा तो इतना पोर्शन आपका ये देखिए कॉपी होगा, लेकिन प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ तो फिर से करते हैं न्यू और इसको कॉपी करते हैं। अब ये कॉपी हो गया तो यहाँ पे देखिए एडिट टूल में कॉपी आ जाएगा। टूल में क्या है आपका, पेन, हाइलाइटर, इरेजर ऑप्शन ये है, तो आप यहाँ पर ये सब यूज कर सकते हैं। टाइम डिले कर सकते हैं, इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर पीएनजी के लिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया मैप डॉट पीएनजी, तो हमने जो पिक्चर ली है वो सेव हो जाएगी। अब इसको कॉपी कर लिया हम लोग, कॉपी होने पे क्लिपबोर्ड पे जाएगा, इसको हम ईमेल कर सकते हैं, ईमेल रेसिपिएंट का नाम देंगे तो उसको चला जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो पेन लेकर के उसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी पोर्शन को, जिस पोर्शन को आप चाहिए, ऐसे यहाँ पर इस तरह से आप कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। इसको रिमूव करना है तो इरेजर लेकर के आप रिमूव कर सकते हैं। ये कलर आप यहाँ पे हाइलाइटर का चेंज कर सकते हैं, ये देखिए रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कस्टम पेन, कस्टमाइज। अब यहाँ पे मीडियम पॉइंट पेन, चेसिल टिप पेन, यहाँ पे राउंड टिप पेन, जो ले लीजिएगा आप वो आ जाएगा। ये देखिए राउंड टिप पेन आ गए, अब आप जो कलर ले लीजिएगा। अब ये ब्लू देखिए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जा कर के इसको जब आप क्लिक करिएगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे कलर आप चेंज करिएगा, रेड दे दिया आपने मान लीजिए। अब इस पोर्शन को अगर आपको करना हो तो इस पोर्शन को आप ये देखिए हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्निपिंग टूल में हम अपने ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, पिक्चर को, उसके बाद इसको सेव भी कर सकते हैं। और अभी हमें सेव नहीं करना, ये हटाना हाईलाइटर, तो ये ले करके इस पर हल्का सा क्लिक करिए, ये चला जाएगा। अब इस पोर्शन को क्योंकि हम लोग ने कॉपी किया है तो इसको अब हम पावर पॉइंट में जा कर के पेस्ट करेंगे जब, तो ये देखिए दे देगा यहाँ पर आपको। तो इस तरह से स्निपिंग टूल से हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल की। इसी तरह से अब हम टेक्स्ट को निकालेंगे, तो यहाँ पर गए हम लोग ने नहीं लिया इसको, यहाँ पर गए और टेक्स्ट निकालेंगे। अब टेक्स्ट निकालने के लिए स्निपिंग टूल में फिर जाएंगे, यहाँ पर न्यू करेंगे, जब न्यू करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे लिया, ये देखिए आपका पिक्चर बन गई, एडिट किया, कॉपी किया। अब यहाँ पे आए पावर पॉइंट में, यहाँ पे आ करके कंट्रोल वी करा, ये आपका आ गया। अब ये देखिए ये गड़बड़ हो गया है, तो इसको फिर से करेंगे। ऊपर गए, फिर से यहाँ आए, यहाँ पे आके आपने न्यू किया, न्यू करने पर यहाँ पे आए और इस पोर्शन को हम लोग ने क्रॉप किया। तो अब यहाँ पे देखिए ये पोर्शन गड़बड़ आ गया है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि तो अभी या क्रॉप कर सकते हैं। एडिट में गए, कॉपी किया, एडिट, इरेजर, इसमें नहीं ले रहा है तो उसको हम लोग पहले एडिट करके कॉपी करते हैं और यहाँ जा करके यहाँ पर इसी पे जा करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट ऑप्शन ये आ गया, इसको हटा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट में जा कर के क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने से इजीली नीचे का पोर्शन जो अनवांटेड है वो चला जाएगा और ये देखिए आपका ये बन गया। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर
सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पीडीएफ पिक्चर को कई पार्ट में ले आ करके अपने नई पिक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और पीडीएफ में से पिक्चर या टेक्स्ट को निकाल सकते हैं। तो इसी का हमने यह डिटेल दिया कि सेलेक्ट करेंगे पहले स्टार्ट बटन को, वहाँ स्निपिंग टूल लिखेंगे सर्च बॉक्स में ऑन टास्क बार में, और स्निपिंग टूल आ जाएगा तो उसमें तीन फॉर्म है, फ्री फॉर्म, रेक्टेंगुलर, फुल स्क्रीन मोड। फिर वहाँ पर जा करके सेलेक्ट करेंगे उस पोर्शन को जिसको कैप्चर करना है और एडिट में जाकर उसको सेव करेंगे, कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ पे पेस्ट करना है। इसके अलावा मेथड फोर है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम कर सकते हैं, जो फोटोशॉप में भी हम इसी तरह से अपनी इमेज में से, अपनी पीडीएफ में से इमेज और टेक्स्ट निकाल सकते हैं। पीके पीडीएफ कन्वर्टर है, पीडीएफ शेपर है, स्मॉल पीडीएफ है। इसके अलावा अदर वेब ऐप है जो डिफरेंट साइट पर मिलेगा आपको, pdfdu.com है, pdf24.org है, pdf8.com है, pdfonline.com है, scivers.org है, extractpdf.com है। तो इस तरह से बहुत सी साइट है, ऑल इन वन पीडीएफ करके, आई लव पीडीएफ करके है, बहुत सी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप टिप्स एंड ट्रिक में जाकर देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे आप इसको कर पाइएगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, और प्लीज आप लोग कमेंट करिए, वॉच करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये हमारे सारे लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर मेरे को फॉलो करिए और कम्युनिटी पे जाकर आप पोल्स में आंसर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए, प्रेस बेल करिए जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।